जय श्री कृष्णा। आज हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पिछली क्लास में हमने देखा था कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल इस चैप्टर में होने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट के इस्तेमाल मैंने आपको सिखाए थे और ये बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, वेक्टर है कि स्केलर है, कैसे आती है, मतलब कई सारी चीजें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करी थी हमने। अब हम लोग आज बात करेंगे कि अगर कहीं कोई चार्ज दुनिया में चल रहा है तो जो वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इससे जुड़े हुए जो रूल्स हैं वो रूल्स मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है क्यू, और ये चार्ज क्यू जो है वो वेलोसिटी वेक्टर वी से ऐसे सीधे जा रहा है। ये चार्ज क्यू है और ये वेलोसिटी वेक्टर वी से सीधे जा रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो चार्ज है ये दुनिया भर में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पूरी दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नाइजीरिया में, अमेरिका में, मून पे, सन पे, ये जो चार्ज है सारी दुनिया में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी मूविंग, देखो स्टेशनरी चार्ज जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज चल रहा है, तो वो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है। मूविंग चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और ये दुनिया में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। अब मान लो कि ये जो चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू यहां पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इस पॉइंट का चार्ज क्यू के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने वेक्टर आर मान लिया, और वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, तो अब इसमें ये v तो एकदम क्लियर है, क्या है v, b, q, ये सारी चीजें क्या क्या है ये मैं समझा दे रहा हूं। v जो है वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज की वेलोसिटी हो गई, v इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज, एंड r इज वेक्टर, r इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। जैसे हमें मान लो P पॉइंट पर फील्ड निकालनी थी तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, वेक्टर R जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू चार्ज है, और ये जो वेक्टर B है ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू। समझिएगा, ये चार्ज क्यू जो जा रहा है ये चार्ज दुनिया भर में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और इस चार्ज क्यू की जो वेलोसिटी है वो वी के बराबर है, ये एंगल थीटा है और ये आर के बराबर है, इसका इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर के बराबर है। तो ये चार्ज यहां पे, 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 दुनिया भर में, पूरे दुनिया में हर जगह फील्ड पैदा कर रहा है। तो यहां पर जो फील्ड पैदा कर रहा है, जब लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया, एक्सपेरिमेंटली जब इसको कैलकुलेट करके निकाला, ठीक है, तो ये पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। जितना तेजी से ये चार्ज चलेगा उतनी, क्योंकि इसी चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, रुका होता तो फील्ड आती ही नहीं, अगर बहुत डबल स्पीड से चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। तो ये जो चार्ज है इसकी स्पीड वी के मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है, उसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है, यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होती है साइन थीटा के। साइन थीटा अगर आया यहां पे, तो साइन थीटा आने का मतलब ये रुझान दे रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ही आता है साइन थीटा, मतलब अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा, लेकिन जो इनिशियल जैसे रुझान आते हैं ना, तो रुझान में जैसे साइन थीटा के प्रोपोर्शनल ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट भी आने वाला है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है, जितना बड़ा थीटा होगा, मतलब साइन थीटा जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। ये भी देखा गया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है चार्ज की वैल्यू के भी प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज एक कूलम है तो मान लो फील्ड भी आई, तो दो कूलम कर दोगे तो टू भी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। उसके अलावा देखा गया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वन अपॉन आर स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये जो मैग्नेट, ये मूविंग चार्ज जो है
जरा सा जो चार्ज जा रहा है ये दुनिया भर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है इस फील्ड की वैल्यू जो है स्पीड के प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, क्यू के प्रोपोर्शनल है, 1/r² के प्रोपोर्शनल है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, तो जैसे अगर मैं यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो ये सारी प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद एक कॉन्स्टेंट आएगा, और वो कॉन्स्टेंट जो है वो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई से दिया जाता है। जैसे वहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे यहां पर म्यू नॉट अपॉन फोर पाई होगा और ये आ जाएगा क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है, जहां पर ये म्यू नॉट अपॉन फोर पाई एक कॉन्स्टेंट है, और इस म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की जो वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू जो यहां पर कॉन्स्टेंट आया है, ये वैल्यू जो आती है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की, ये आती है 10^-7। ये म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू आ जाती है। अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो यूनिट भी लिख सकते हैं इसका, इसका तो टेस्ला हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब इंटू मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा, एक मीटर से एक मीटर चला जाएगा। टेस्ला इंटू मीटर इंटू सेकेंड अपॉन कूलम्ब, मतलब एसआई यूनिट में इसकी जो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है वो 10^-7 होती है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद करें वही वैल्यू कितनी होती थी, 9×10^9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती थी वो 9×10^9 होती थी। यहां पर ये जो म्यू नॉट है इसको एक खास नाम से बुलाते हैं, म्यू नॉट का नाम हम लोगों ने रखा है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट जो है इसका नाम है, जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो ये जो म्यू नॉट होता है ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट होता है, जैसे वहां एप्सिलॉन नॉट था उसी टाइप का कांस्टेंट ही होता है। तो अगर कोई भी चार्ज किसी भी कहीं भी चलेगा, तो कोई भी चार्ज मूव करता है तो वो चार्ज दुनिया भर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस इक्वेशन से दी जाती है, जहां क्यू चार्ज की वैल्यू है, वी स्पीड है, साइन थीटा एंगल है, आर स्क्वायर ये है। अच्छा, साइन थीटा जो है ये भी समझना है हमें कि वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो पोजीशन वेक्टर है इन दोनों के बीच का एंगल है। अब ये तो फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन ये जो फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका डायरेक्शन लोगों ने देखा, जब एक्सपेरिमेंट करके और डायरेक्शन देखा तो पता चला इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन जो आ रहा था यहां पर इस जगह पर जो डायरेक्शन आ रहा था वो इनवर्ड्स आ रहा था। तो जब डायरेक्शन के साथ लोगों ने देखा तो इनवर्ड्स आ रहा था, इनवर्ड को क्रॉस को हम लोग इनवर्ड से दिखाते हैं, तो इस जगह पे जब डायरेक्शन देखा तो इनवर्ड्स आ रहा था। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी वेक्टर, वी वेक्टर और आर वेक्टर, अगर इसका क्रॉस लेंगे तो अंदर की तरफ आएगा। तो यही जो फार्मूला है, जब इस फार्मूले को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो यही फार्मूला बनता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, वेक्टर फॉर्म में ये बन जाता है। आएगा है स्केलर फॉर्म में देखें तो यही फार्मूला है, स्केलर फॉर्म में यही कैसे है, v क्रॉस r को आप लिखोगे v इंटू आर इंटू साइन थीटा, एक r से एक r कट जाएगा तो ये बचेगा वही क्यू वी साइन थीटा के बराबर ही। तो लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसी फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी अगर चार्ज चल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, वो इस इक्वेशन से दी जाती है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से वो मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है, दुनिया में कहीं भी अगर कोई चार्ज कभी मूव कर रहा होता है। तो जैसे कोई भी चार्ज चल रहा है तो दुनिया भर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इसको थोड़ा बारीकी से समझेंगे, थोड़ा इसके अंदर डिटेल में इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि चार्ज था क्यू और ये चार्ज वेक्टर वी वेलोसिटी से जा रहा है, और हम किसी खास जगह यहां पर इस पॉइंट को मैंने पी बोला, इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये एंगल थीटा देखा गया था। तो अपने पास जो फार्मूला आया था वो फार्मूला अगर देखा जाए ध्यान से, तो फार्मूला तो यही था ना यार, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो कुल मिला के अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज है
ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो वी क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे मुझे इस जगह पे फील्ड निकालनी है तो यहां पर अगर फील्ड निकालनी है तो वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया, आर वेक्टर ये हो गया, तो वी क्रॉस आर अंदर की तरफ हो जाएगा, तो यहां की जो फील्ड आएगी वो क्रॉस्ड आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखें और सोचें यहां पे फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा। सोचें पहले आप, फिर मैं बताता हूं। यहां पर फील्ड का डायरेक्शन ऐसे आएगा कि ये वेलोसिटी वेक्टर वी हो गया, ये वेक्टर आर हो गया, तो वी क्रॉस आर अंदर की तरफ, तो यहां पर भी फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स आ जाएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां भी फील्ड इनवर्ड आएगी, यहां भी इनवर्ड आएगी, यहां भी इनवर्ड आएगी, और इसके इधर जितने भी पॉइंट्स हैं सब जगह इनवर्ड आएगी। एक मिनट पॉज करके आप खुद से करके देख लीजिए, जिससे कि आपको फील आ जाए। आप मतलब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन क्लासेस, तो इसमें जगह जगह पे वीडियो पॉज करके आप उसको सोच लिया कीजिए कि जो सर बोल रहे हैं ठीक है वो जो है वो कितना जस्टिफाइड है या उसमें आपको क्या इश्यू आ रहे हैं। तो खैर, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो आगे म्यू नॉट अपॉन 4πq वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये वी हो गया, ये वेक्टर आर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई अंदर की तरफ। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है अंदर की तरफ, यहां भी अंदर की तरफ आएगी, यहां भी देखें वी क्रॉस आर अंदर की तरफ, यहां भी वी इधर, आर इधर, वी क्रॉस आर अंदर की तरफ, यहां भी वी, जितने भी पॉइंट है यहां पर भी देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा जैसे मतलब बहुत ज्यादा खींचना पड़ रहा है, लेकिन वी इधर है, आर इधर है, तो वी क्रॉस आर आएगा अंदर की तरफ ही। तो अगर इस लाइन के इधर देखेंगे जो जितने भी पॉइंट है वहां पर जो फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। अच्छा, इधर देखा जाए, इधर फील्ड किधर आएगी जरा सोचो। तो अगर यहां पे आपको फील्ड निकालनी है तो वेलोसिटी वेक्टर ये है, आर वेक्टर ये हो जाएगा, ये हो गया आर वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, आर इधर है, तो वी क्रॉस आर किधर आएगा, बाहर की तरफ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वी क्रॉस आर बाहर की तरफ आ जाएगा, यहां पर भी बाहर की तरफ आ जाएगा। गोला बना देते हैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए। ठीक है, यहां भी वी क्रॉस आर बाहर की तरफ, यहां भी बाहर की तरफ, यहां भी बाहर की तरफ, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह वी क्रॉस आर जो है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, एक गोले से कोई कंफ्यूजन ना हो। यहां डॉट लगाने का मतलब जो होता है कि वेक्टर बाहर की तरफ है, क्रॉस का मतलब होता है वेक्टर अंदर की तरफ है। तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यहां फील्ड बाहर आ रही है, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, अगर हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखें, इस जगह पर देखिए, तो इस जगह पर क्या होगा कि वी वेक्टर इधर है और आर वेक्टर यही हो जाएगा, तो थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा, तो इस लाइन पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। यानी जो चार्ज है अगर आप उसी की लाइन पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि यहां पर थीटा जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट। अब जरा और ध्यान से देखिए, और अगर ध्यान से देखें, जैसे इस जगह स्पेस में मान लो यहां पर एक पॉइंट मैंने ले लिया और मैं आपसे कहता हूं यहां फील्ड बताओ, तो अगर यहां आपसे फील्ड पूछ रहा है कोई, ठीक है, इस जगह पे फील्ड पूछ रहा है मान लीजिए यहां पे, तो वी वेक्टर ये हो गया, आर ये हो गया, तो वी क्रॉस आर इधर आ जाएगा। तो अगर आप इस जगह पर स्पेस में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। तो वास्तव में क्या होगा, वास्तव में क्या होगा, ये जो फील्ड लाइनें होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होंगी, यहां से अंदर जाएंगी, बोर्ड के पीछे से घूम के यहां से बाहर निकलेंगी और ऐसे करके ये अंदर जाएंगी। तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यहां पर, ये सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड सर्कल बनाएंगी। मतलब देखो यहां से इसको विजुलाइज करो, बड़ा मजेदार चीज है कि यहां से लाइनें अंदर जा रही हैं, यहां से बाहर आ रही, तो इसका मतलब पीछे से जाके घूम के वापस आई होंगी और फिर ऐसे निकल करके और फिर ऐसे एंटर करेंगी। उसी तरह से यहां से लाइनें जैसे निकल रही है तो यहां से कहीं से एंटर करेंगे, फिर पीछे से घूम के फिर वापस आ जाएंगे। तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होंगी, दे ऑल विल फॉर्म क्लोज्ड सर्कुलर लूप विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ चार्ज इज देयर सेंटर। जितनी भी फील्ड लाइने हैं वो सारी की सारी लाइने जो है वो सर्कुलर लूप बनाएंगी और जो लाइन ऑफ एक्शन है चार्ज का वो उसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बात सबको समझ लेनी है। लिखें द फील्ड लाइन्स विल फॉर्म सर्कुलर लूप्स loops field lines will form circular loops such that the line of velocity of charge line of velocity of charge as their centers
फील्ड लाइन जो है वो सर्कुलर लूप बनाएंगी, यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं वो सब की सब सर्कुलर लूप बनाएंगे, और जो इनकी वेलोसिटी का लाइन होगी ना, जिस लाइन की जो वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन है, उस लाइन ऑफ एक्शन पर जो है इनका सेंटर लाई करेगा। तो ये जितनी भी फील्ड लाइनें होंगी सब की सब सर्कुलर लूप बना रही होंगी, बहुत सारे सर्कल्स होंगे, और वो जो सर्कल होंगे उन सारे सर्कल का सेंटर इसी लाइन पर लाई करेगा, ठीक है। और उन सर्कल्स का डायरेक्शन हमें निकालना है, तो डायरेक्शन जो है वो वी क्रॉस आर की मदद से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ये कंसेप्ट आया कि भाई कोई भी चार्ज अगर चल रहा है तो उसके कारण दुनिया भर में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक चलिए क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, एग्जाम्पल है ये, ध्यान से समझिएगा। ये डिस्टेंस आर के बराबर है, सर्कल का सेंटर आर है, एक चार्ज क्यू है जो कि वी स्पीड से मूव कर रहा है। सर्कल का सेंटर आर है, चार्ज क्यू जो है उस सर्कल में वी स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर वही है चार्ज क्यू परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, चार्ज की परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद, चार्ज की परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये चार्ज क्यू जो है वी स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। चार्ज क्यू परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो हम अगर इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। तो अब जैसे मुझे सेंटर फील्ड यहां पर निकालनी है, इस जगह पर फील्ड निकालनी है, चार्ज यहां पर है, तो जिस जगह पे मुझे फील्ड निकालनी होती है उस जगह को मैं चार्ज से मिला देता हूं, तो मैं चार्ज से इस जगह को मिलाऊंगा, तो ये हो गया वेक्टर आर। जिस भी जगह पे मुझे फील्ड निकालनी है, ये आपको समझना है, ये सारी बातें बहुत बारीक बारीक बातें हैं लेकिन दिमाग में रखनी है, इसी से ये चैप्टर बिल्ड होगा कि अगर मुझे यहां पे फील्ड निकालनी है तो इस चार्ज, तो मैंने इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लिया, इस पॉइंट का मैंने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। अब इस पॉइंट का जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी तो हमेशा सर्कल के टेंजेंशियल होती है, तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, तो आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल आ रहा है ना वो 90 डिग्री आ रहा है। इस जगह पे फील्ड निकालनी थी मुझे, तो चार्ज से इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ये वेक्टर आर हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सीधे सीधे हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बराबर हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी, साइन 90 वन हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखा जाए कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें, देखिएगा जरा ध्यान से, डायरेक्शन जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो वही होगा जो वी क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा। तो अगर हम देखें तो वेलोसिटी वेक्टर वी इधर है, आर इधर है, तो वी इधर है, आर इधर है, तो वी क्रॉस आर इधर आ जाएगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डॉट आएगी, डॉट मैग्नेटिक फील्ड आएगी, डॉट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। अब इसी के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बनता है, इसी क्वेश्चन का एक इंटरेस्टिंग सा पार्ट बनता है, ठीक है। वो ये बनता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ये कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी। ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली, मैंने निकाली, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो ये क्वेश्चन भी मैं लिख रहा हूं, फाइंड वेदर द अबव फील्ड, फाइंड वेदर द अबव मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट और वेरिएबल।
फाइंड वेदर द अबव मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट और वेरिएबल. ये पता लगाओ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है. एक मिनट का पॉज लेके सोचे और फिर जवाब दें. तो देखें इसमें क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट. अच्छा, कोई भी वेक्टर वेक्टर को अगर हमें चेक करना है कि वेक्टर कांस्टेंट है या वेरिएबल है तो हमें ये देखना होता है कि वेक्टर का ना तो डायरेक्शन बदले और ना उसकी वैल्यू बदले, तभी वो कांस्टेंट माना जाएगा. अगर मान लीजिए डायरेक्शन भी बदल गया तो भी वो वेक्टर वेरिएबल माना जाता है. कोई भी वेक्टर को अगर चेक करना है कांस्टेंट के लिए तो फिर दोनों चीजें उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ना डायरेक्शन ना वैल्यू. ठीक है, डायरेक्शन भी वही से रहना चाहिए, वैल्यू भी वही रहना चाहिए. अब मैं इसको अगर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है. पहले तो वैल्यू को एग्जामिन करूं. वैल्यू आप देखोगे ना क्यू बदल रहा है, ना वी बदल रहा है, ना आर बदल रहा है, तो वैल्यू तो इसकी कांस्टेंट है. आप डायरेक्शन देखें, फिलहाल जब चार्ज यहां पे था तो इसका डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ था. अब कुछ समय के बाद मान लो चार्ज यहां पर आ गया, वेलोसिटी इधर हो जाएगी, वेक्टर आर ये हो जाएगा. अब देखें इसका डायरेक्शन किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो अब डायरेक्शन अगर देखेंगे तो वी वेक्टर इधर है, आर इधर है, तो वी क्रॉस आर अभी भी बाहर की तरफ ही आ रहा है. इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा यहां भी आउटवर्ड ही होगा. उसी तरह से यहां पर देखें, ये वेक्टर वी है, ये वेक्टर आर है, तो वी क्रॉस आर अभी भी बाहर की तरफ आ रहा है. तो चार्ज कहीं भी हो हर जगह वी क्रॉस आर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है. तो इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो वैल्यू और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है. डायरेक्शन हमेशा इसका आउटवर्ड आ रहा है और वैल्यू हमेशा इसकी कांस्टेंट है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट हो जाएगी. ठीक है, तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट. जब भी हम किसी वेक्टर को चेक करते हैं, जब भी किसी वेक्टर को चेक करते हैं तो वेक्टर का ना तो दिशा बदलनी चाहिए ना उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि वैल्यू आप देखें वो तो कांस्टेंट है ही. पिछले पार्ट में हमने बताया था डायरेक्शन आप कहीं भी देखें, वी इधर है, आर इधर है, वी क्रॉस आर बाहर की तरफ. यहां पर अगर आप देखें तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो वी क्रॉस आर हर जगह बाहर की तरफ आ रहा है. तो ना तो इसका डायरेक्शन बदल रहा है ना इसकी वैल्यू बदल रही, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी. एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है वही चार्ज की वेलोसिटी से जुड़ा हुआ, कि कोई चार्ज है जो सर्कल में घूम रहा है और सर्कल का रेडियस आर है. थोड़ा फिजिकली आप इसको विजुलाइज करेंगे थ्री डायमेंशन में तो ये कैसे ऐसे घूम रहा है. मान लो ऐसे चार्ज घूम रहा है और जो एक्सिस है वो इस तरह से जा रही है. या आप अगर बोर्ड के प्लेन में समझे तो मान लें कि ये आधा जो ये सॉलिड लाइन है ना, ये आधा बोर्ड के बाहर है और आधा जो डैश डैश वाली लाइन है बोर्ड के अंदर है. ऐसे समझो ऐसे यहां से बोर्ड गया है, आधा चार्ज जो है हवा में आ रहा है बोर्ड के बाहर और आधा बोर्ड के अंदर से जा रहा है, यानी बोर्ड सर्कल के बीचों बीच से जा रहा है. यहां से यहां तक चार्ज ऐसे जा रहा होगा. अच्छा, यहां चार्ज ऐसे जा रहा होगा यानी यहां पर जो चार्ज की वेलोसिटी होगी, इस जगह से चार्ज ऐसे बाहर निकल के और फिर यहां से चार्ज ऐसे अंदर जाएगा, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो बाहर की तरफ होगी, यहां पर जो वेलोसिटी होगी वो अंदर की तरफ होगी. अगर वेलोसिटी का हम डायरेक्शन यहां पर देखें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पर डॉट आएगा, और यहां पर अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें तो यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्रॉस आएगा. ऐसे यहां से निकलेगा चार्ज और ऐसे जाएगा. 3D में आपको विजुलाइज करना पड़ेगा. खैर, तो ये चार्ज Q जो है ये V स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड V से सर्कल में घूम रहा है और यहां पर कोई एक पॉइंट P है और हमें पता लगाना है कि ये जो P पॉइंट है ये मैं मान लेता हूं यहां से x दूरी पर है, तो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये सवाल है. ये चार्ज Q जो है R रेडियस के सर्कल में V वेलोसिटी से चल रहा है, तो पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो वही है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. ठीक है, दो मिनट का पॉज लेंगे, आप पूरा अच्छे से सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे. मैं तो खैर सॉल्व कर रहा हूं. तो अगर पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड का अपने पास फार्मूला आता है, अभी तो वैल्यू ही पूछी है इन्होंने, डायरेक्शन तो पूछा नहीं, तो फार्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये फार्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे मान लो चार्ज जब यहां पर है, इस जगह पर है, तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वैसे होगा, और पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे हो जाएगा. जब चार्ज यहां पर है, इस जगह पर जब चार्ज है, यहां पर देखने से थोड़ा आसानी से विजुलाइज कर सकते हो, जब यहां पर चार्ज है तो वेलोसिटी वेक्टर तो बाहर की तरफ होगा, पोजीशन वेक्टर अंदर की तरफ होगा, और ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा. ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, और ये जो एंगल आ रहा है ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा.
तो अब अगर देखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर और जैसे वेलोसिटी वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ हो गया बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये पोजीशन वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा। तो अब ये सॉल्व करने पर थीटा 90 हो गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू इंटू वी। अच्छा, आर जो है वो यहां से यहां तक की दूरी है, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एक्स था, ये कैपिटल आर था, तो ये वाली दूरी हो जाएगी आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, यहां भी हम चेक कर सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की देखो वैल्यू तो कांस्टेंट है इसकी, ना क्यू बदल रहा है, ना वी, ना एक्स, ना आर, ये सब तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू तो इसकी कांस्टेंट है, लेकिन हम ये चेक कर सकते हैं कि डायरेक्शन जो है ये यहां पर बदल रहा है कि नहीं। तो अगर हम ये पता लगाना चाहें कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है वेरिएबल है, तो हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। डायरेक्शन के लिए देखें हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे यहां ये देखिए इधर था वेलोसिटी वेक्टर, इधर पोजीशन वेक्टर, तो वी वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर, तो वी क्रॉस आर इधर आएगा। तो यानी जब चार्ज यहां पर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। अभी वही चार्ज यहां पर पहुंच गया मान लीजिए, तो वेक्टर वी ये हो जाएगा, और यह फील्ड मुझे यहां निकालनी है, तो वेक्टर आर ये हो गया, तो वेक्टर वी ये हो गया, वेक्टर आर ये हो गया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाएगी। तो जब चार्ज यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, जब चार्ज यहां पर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है। तो डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहां पर जैसे चार्ज जब यहां पर था तो फील्ड का डायरेक्शन कुछ और था, यहां पर था तो कुछ और था, यहां पर होगा तो कुछ और होगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो कॉन्स्टेंट है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है और डायरेक्शन बदल रहा है तो हम इसको वेरिएबल बोलेंगे या कॉन्स्टेंट बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिएबल, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट डायरेक्शन डायरेक्शन वेरीज। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन इसका डायरेक्शन बदलना होता है, तो इसलिए हम कहेंगे अगर आपसे कोई पूछे कि ये वेरिएबल थी फील्ड या कांस्टेंट थी, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो फील्ड थी ये वेरिएबल थी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बदल रहा था, ठीक है। तो अगर कोई एक सिंगल चार्ज है, कोई भी एक सिंगल चार्ज है और वो सिंगल चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके कारण जो दुनिया भर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने देखा कि कितनी आती है। अब जो ये फार्मूला है इस पर हम थोड़ा सा और विचार करेंगे, जैसे ये फार्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अब जब फार्मूला आया तो इस फार्मूले के बारे में एक बात ये देखी जाए कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया है क्या ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि देखने वाला कौन है। ये जो फार्मूला आपके सामने, ये फार्मूला आपके सामने आ गया है, ये फार्मूले में जो b की वैल्यू है क्या इस बात पर डिपेंड करेगी कि देखने वाला कौन है। जैसे आप इसको समझिए कि मान लीजिए मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूं, मेरे सामने जो भाई साहब बैठे हुए हैं उनकी वेलोसिटी मेरे रिलेटिव तो जीरो है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म से देखा जाए तो उनके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो फ्रेम पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि देखने वाला कौन है। कई बार आप फ्लाइट के अंदर जाते हैं, फ्लाइट जा रही होती है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता, आपको लगता है कि जमीन पर बैठे हुए हैं क्योंकि फ्लाइट के रिलेटिव आप रुके हुए हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि रिलेटिव मोशन जो है उसमें अगर आप फ्रेम बदल देते हैं तो वेलोसिटी बदल जाती है, और अगर वेलोसिटी आप अलग अलग फ्रेम से देखेंगे तो वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी बदल जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बदल जाएगी। तो मूविंग चार्ज के कारण, सिंगल चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, दिस फील्ड डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो मैं यहां पर इस बात को नोट भी कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज्ड, दैट इज, इसी बात को हम कैसे बोलते हैं, इट इज वेरिएंट ऑफ द फ्रेम, वेरिएंट ऑफ द फ्रेम। फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग दो तरह की बोलते हैं, कुछ ऐसी होती है जो फ्रेम पे डिपेंड करती है, कुछ होती है जो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। जैसे फोर्स हो गया, फ्रेम इंडिपेंडेंट है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करने वाला। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो फोर्स हो गया, ये फ्रेम इंडिपेंडेंट है, बॉडी का मास 1 किलो है तो 1 किलो ही रहेगा, तो वो भी फ्रेम इंडिपेंडेंट है। वो अलग बात है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आप पढ़ोगे कभी 12th के बाद, तो उसके अंदर मास भी वेरी कर जाता है, लेकिन अभी फिलहाल न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर जो मास हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, ये सब फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है, देखने वाले पे डिपेंड नहीं करते। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण, एक सिंगल चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है, और इसी बात को हम इस तरह से बोलते हैं कि इट इज द वेरिएंट ऑफ द फ्रेम, ये फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है जो मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है इस चैप्टर का, उस फार्मूले की तरफ आ रहे हैं, बायोट-सावर्ट लॉ। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और आप ऐसा समझ लो कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी फार्मूले, जितने भी डेफिनेशन जो कुछ है सब, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में सब कुछ किस पर डिपेंड करता था, कूलॉम्स लॉ पे ना, कूलॉम्स लॉ आया, फिर फील्ड आई, फिर सारी चीजें आई, उसी तरह से यहां पर बायोट-सावर्ट लॉ है। ये जो बायोट-सावर्ट लॉ है, ये बायोट-सावर्ट लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब ये बायोट-सावर्ट लॉ कोई भी करंट कैरिंग वायर है, जैसे इस रूम के अंदर बहुत सारे वायर्स हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, आपको बोर्ड दिख रहा है, लेकिन मुझे बहुत सारे तार अपने चारों तरफ दिख रहे हैं। आप जिस कमरे में बैठे वहां पे नजर घुमा के देखिए, हर तरफ आपको तार ही तार दिख रहे होंगे। तो वो जितने भी वायर्स हैं उन सब के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, तो वो करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है। तो वो सारे जो वायर्स हैं उनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और उस करंट के कारण दुनिया भर में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये बायोट-सावर्ट लॉ बताता है, ठीक है। तो ये बायोट-सावर्ट लॉ, जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक वायर है, इस वायर के अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, और हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है, तो हम पूरे वायर के लिए एक साथ मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ क्या करता है कि एक छोटे से एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और फिर उसके बाद उस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखने के बाद जब हम पूरे के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। तो जैसे मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, और हम यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, और मैंने एक छोटा सा एलिमेंट यहां पर ले लिया वेक्टर डीएल, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट का नाम है वेक्टर डीएल, छोटा सा एलिमेंट है, इसको हमने वेक्टर डीएल के नाम से रखा, ठीक है। और इस डीएल की वजह से, इस जरा से एलिमेंट डीएल की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई, इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसको मैंने बोला वेक्टर डीबी। वेक्टर डीबी क्या है, पूरे तार के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वेक्टर डीबी ये जो जरा सा एलिमेंट हमने लिया हुआ है ना, ये जो वेक्टर डीएल हमने जरा सा एलिमेंट लिया हुआ है, लेंथ एलिमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या करंट एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, इस डीएल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो वेक्टर डीबी जो है, खैर डीबी अभी डीबी पर आते हैं, ये वाला एंगल थीटा है, वेक्टर डीएल और वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में है, तो ये वाला एंगल थीटा के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो यहां पर वेक्टर डीबी बेसिकली क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर डीएल क्या है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और इसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट होता है। तो ये जो जरा सा मैंने डीएल वेक्टर लिया, इस जरा से डीएल वेक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो भी जरा सी मैग्नेटिक फील्ड आई, और उस जरा सी मैग्नेटिक फील्ड को मैंने वेक्टर डीबी बोल दिया। तो वेक्टर डीबी जो है वो उस जरा से एलिमेंट डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक्सपेरिमेंट किया था बायोट-सावर्ट ने, एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इस डीबी की वैल्यू पता लगाई थी। तो देखा यह गया था कि जो डीबी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है, इस वायर में जो करंट गुजर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, देखा गया था कि ये जो है प्रोपोर्शनल होता है
डीएल के जो एलिमेंट मैंने लिया उसकी लंबाई कितनी है, छोटा एलिमेंट लेंगे तो कम फील्ड आएगी, बड़ा लेंगे तो ज्यादा आएगी। ये भी देखा गया कि ये डीबी जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के प्रोपोर्शनल है, और ये भी देखा गया कि ये डीबी जो है ये साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल है, डीबी साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद जो डीबी की वैल्यू आती है ये आती है म्यू नॉट अपॉन 4π आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। मैं वेक्टर फॉर्म में सीधे लिख दिया, स्केलर ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, जो आपको याद करना है रटना है, ठीक है रट लेना है। रटना शब्द जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन ये मतलब कुछ चीजें होती जहां पे आपको प्योर रटना होता है, ठीक है। तो ये बायवर्ड से बदला मैंने आपको समझा दिया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो लौटा के देख ले, उसको रिवर्स करके देख ले, ठीक है। लेकिन ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो डीबी जो है वो म्यू नॉट अपॉन 4π आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होती है, ये बायवर्ड से बदला है। अगर हम इसका स्केलर फॉर्म देखें तो स्केलर फॉर्म जो होगा होगा म्यू नॉट अपॉन 4π आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बोर्ड में जो सवाल आते हैं उनमें ज्यादातर में इसी फार्मूले से काम चल जाता है स्केलर, लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे आईटी वगैरह के एग्जाम में जो सवाल आते हैं उनमें आपको वेक्टर फार्मूले को समझना होगा, क्योंकि अच्छे सवालों में ये डायरेक्शन में ही फंसाते हैं, आपको वैल्यू में नहीं फंसा पाएंगे। इस फार्मूले की मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है, इतने सवाल हम लोग करा देते हैं कि फार्मूला में सब याद हो जाते हैं बच्चे, दो बार चार बार, जो सिंसियर बच्चा है जो सवाल करेगा, जो करेगा ही नहीं उसके लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो मतलब अपने हिसाब से जो करना चाहता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है उसको निकालने में थोड़ी मेहनत होती है और उसमें गलतियां भी होती हैं। तो आमतौर पर बच्चे करते क्या है, जहां डायरेक्शन है फटाफट हाथ वहां ऐसे किया, फट से आगे बढ़ गए, कॉन्फिडेंस रहता नहीं है कि सही होगा, तो तुरंत उसको करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं, गलत सही जो हुआ सो हुआ। जबकि डायरेक्शन का जो सवाल है उसमें एकदम से रुक जाओ, ठहर जाओ, ठंडे दिमाग से पेन एक मिनट के लिए रख दो और अच्छे से सोचो कि भाई ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये अंगूठा इधर जाएगा, उंगलियां इधर जाएंगी, तो डायरेक्शन हो जाएगा और सवाल डायरेक्शन के अच्छे बनते हैं। तो खैर, जो बायोट सेवर्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट अपॉन 4π आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब से दी जाती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन किधर आएगा, डायरेक्शन वही होगा जो डीएल क्रॉस आर का होगा। जैसे यहां देखिए ये डीएल है, ये आर है, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन अंदर आ गया। यहां पर मैं देखना चाहूं, इस जगह पर अगर देखना चाहूं मान लो, तो ये डीएल हो गया, ये आर हो गया, तो फील्ड बाहर की तरफ हो जाएगी। तो इस जरा से एलिमेंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि नहीं, कोई कहने मुझे पूरे एलिमेंट की बताओ, तो पूरे के लिए तो फिर आपको डीएल और आर के हर टुकड़े के लिए डीएल और आर के बीच का एंगल निकाल के सॉल्व करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, ये सब मैं सिखाऊंगा, ये मेरा काम है, ठीक है। बाकी अभी जो बता रहे हैं उस चीज को ध्यान से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो ये बायोट सबर्ट लॉ हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आती है, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, डीएल के प्रोपोर्शनल है, आर के प्रोपोर्शनल है, थीटा साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, और सॉरी 1/r² के प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो ये डीबी की ये वैल्यू यहां से आ जाती है। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं।